हरिद्वार हिंदुओं के सात पवित्र स्थलों में से एक है। भगवान विष्णु के नाम पर इसे हरिद्वार यानी हरि का द्वार कहा जाता है, जबकि भगवान शिव के नाम पर इसे हरिद्वार या हर की पैड़ी कहा जाता है, यानी शिव की पैड़ी। भगवान ब्रह्मा के नाम पर यहाँ ब्रह्मकुंड है, जबकि माया देवी मंदिर के नाम पर इसे मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल दुनिया भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के रूप में आस्था का सैलाब हरिद्वार में उमड़ता है और गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाकर जगत कल्याण की कामना करता है। लेकिन पिछले एक साल से दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को कोरोना के कारण हरिद्वार आने का मौका नहीं मिल पाया था। कुंभ भी हरिद्वार में आयोजित हुआ था, लेकिन इस बार का कुंभ भी कोरोना की भेंट चढ़ गया। इसलिए हम आपको हर की पैड़ी हरिद्वार के वर्चुअल दर्शन करा रहे हैं कि आप भी देखिए किस तरह से सुंदर अलौकिक प्रतीत हो रही है हर की पैड़ी हरिद्वार। आप ये श्रद्धालु देख रहे हैं, ये कोरोना की दूसरी लहर के बाद हरिद्वार आए हैं। ये जितने भी श्रद्धालु यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। हालांकि इनमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं जो गर्मी से राहत पाने के लिए गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये घंटाघर और उसके आसपास का इलाका है। आप देखिए यहाँ पे नहाने के बाद लोग चाट गोलगप्पे का लुत्फ उठा रहे हैं, जो अक्सर आप लोगों ने भी उठाया होगा जब आप लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करने आते हैं। और हर की पैड़ी के आसपास स्नान करने के बाद चाट नहीं खाई तो फिर क्या खाया। ये देखिए आप, यह है हर की पैड़ी। यहाँ भी लोग स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये सफ़ेद कलर का सामने गंगा माता का मंदिर है और इसके आसपास भी काफ़ी संख्या में लोग भारत के विभिन्न राज्यों से आकर यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि अपेक्षाकृत हरिद्वार में इस समय भीड़ बहुत कम है और इतना खाली हरिद्वार कभी रहता नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से हर की पैड़ी और आसपास बहुत ही कम संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब ये हर की पैड़ी अपने पुराने स्वरूप में नजर आएगी और यहाँ भी पहले की तरह हजारों लाखों की संख्या में आस्था का सैलाब होगा। ये है नाई घाट। नाई घाट पर इस समय काफ़ी कम भीड़ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ सुबह अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु होते हैं। इस समय आपको हरिद्वार में जो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, इनमें से कई श्रद्धालु तो पिंडदान करवाने आए हैं, विभिन्न संस्कार करवाने आए हैं, जबकि कई श्रद्धालु तो यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने आए हैं। आप ये देखिए, ये हर की पैड़ी का एंट्रेंस है। आप भी हरिद्वार आ सकते हैं, लेकिन हरिद्वार आने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी है। आप आइए, हरिद्वार स्वागत है आपका, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट जरूर लाइए और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को औरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस कोरोना काल में दुनिया भर के श्रद्धालु घर बैठे हर की पैड़ी के दर्शन कर पाएं।